बांग्लादेश की जो पीएम है, पूर्व पीएम शेख हसीना पर एफआईआर दर्ज हुई है। शेख हसीना पर एक दुकानदार की हत्या का आरोप है और इस मामले में शेख हसीना समेत कुल 7 लोगों का नाम इसमें शामिल है। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना की। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अन्य आरोपी पूर्व परिवहन और पूर्व मंत्री ओबेदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और साथ ही पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून, ढाका पुलिस कमिश्नर हबीबुर रहमान, एडिशनल कमिश्नर हारून या राशीद और ज्वाइंट कमिश्नर बिप्लब कुमार भी शामिल हैं। तो इस एफआईआर में इन लोगों के नाम हैं। ढाका में एक किराना दुकान चलाने वाले अबू सईद की हत्या का आरोप है और इस आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पूर्व पीएम शेख हसीना का भी नाम एफआईआर में है। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर का भी नाम इसमें शामिल एफआईआर में। शेख हसीना के साथ साथ 7 और लोगों के नाम दर्ज है। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने मल्टी टेरर अलर्ट जारी कर दिया है। 15 अगस्त को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं, वीवीआईपीज को निशाना बनाया जा सकता है, आतंकी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की हर तरह से मदद यहां पर कुछ लोग कर रहे हैं और इन संगठनों को हमले करने के लिए उकसा रही हैं। ऐसे में अलर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत से नफरत करने वाले आतंकी संगठन गड़बड़ी फैला सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख दिया है। पत्र में मान ने लिखा है कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण मामले में एनएचआई को सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य में एनएचआई की अधिकांश परियोजनाएं पटरी पर हैं। और इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्र की परियोजनाओं को सुरक्षा देने की मांग की थी। गडकरी ने पंजाब की कानून व्यवस्था का हवाला दिया था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजस्थान में भी आज और कल के लिए विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान है। 15 और 16 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्चों की देखभाल के मामले में पुरुषों को महिलाओं के बराबर छुट्टी देने के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एक मामले के मद्देनजर कहा कि बच्चों के पालन पोषण के लिए माताओं के साथ साथ पिता को भी बराबर जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें छुट्टी के मामले में किसी भी तरह से वंचित नहीं रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य अगले 3 महीने के भीतर इस पूरे संबंध में दिशा निर्देश जारी करे। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए 2018 में कानून में बदलाव किया, लेकिन मामले में आरोप लगाया गया कि बंगाल में पुरुष अभी भी इस बदलाव से वंचित हैं। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्लाकर भारत की बुराई करने में व्यस्त है। इसके लिए पाकिस्तान को नया मसला बिहार से मिला है। यहां मसाला तो वहीं कुछ दिनों पहले बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया था। यह पदार्थ तस्करी कर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर उसे जब्त कर लिया। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थों की कालाबाजारी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यह भी कहा है कि रेडियो धर्मी सामग्रियों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली की तरफ से उठाए गए कदमों पर यह घटना कई सवाल खड़े करती है। Zini.